हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण 6, 7 और उदाहरण 8 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उदाहरण 6 देखते हैं। तो यहाँ उदाहरण 6 है कि px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px का मान दिया गया है x प्लस 3x वर्ग माइनस 1 और gx का मान दिया गया है 1 प्लस x। तो आपको क्या करना है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है, इस पी एक्स में इस जी एक्स का भाग करना है। पी एक्स का मान दिया गया है और जी एक्स का मान दिया गया है, तो हम इसको भाग कैसे करेंगे? इसमें हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसको चाहें तो आप शेषफल प्रमेय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उदाहरण 6 को भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी बहुपद दिया गया है, पी एक्स का मान दिया गया है, इस पी एक्स के मान को यहाँ पर हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस जो भी बहुपद दिया गया है पी एक्स के बराबर, इस बहुपद को यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले हम 2 की घात वाले पद को लिखेंगे, 3x वर्ग को। सबसे पहले यहाँ पर हमने 3x वर्ग को लिखा, फिर इसके बाद हम एक्स वाले पद को लिखेंगे प्लस एक्स, इसके बाद हम अचर पद को लिखेंगे -1 जाके था। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जी एक्स के मान को भी व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या लिखा जाता है, घात वाला एक्स। जैसे यहाँ पर एक्स दिया गया, तो सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, फिर इसके बाद अचर पद को लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सबसे पहले व्यवस्थित कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में पी एक्स में जी एक्स का भाग करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है, इस जी एक्स के मान को पी एक्स में भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर हम भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेंगे, 3x वर्ग प्लस एक्स -1। और यहाँ पर हमें जी एक्स से भाग करना है, तो जी एक्स के मान को एक्स प्लस 1 को यहाँ पर हम भाग के चिन्ह के साइड में लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक्स प्लस 1 का भाग इस बहुपद में करेंगे। तो यहाँ पर आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी भाग करते हैं, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको पी एक्स में जी एक्स से भाग करना पड़े, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो यहाँ पर हमें इसमें भाग करना है, तो इस संख्या को यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स से करना है तो यहाँ पर हम इसको नीचे लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, इस संख्या को यहाँ पर हमने ऊपर लिखा इसके पहले पद को, और इसके पहले पद को यहाँ पर हमने नीचे लिखा, क्योंकि हमें 3x वर्ग में एक्स से भाग करना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही भाग करते हैं, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यहाँ पर एक्स के ऊपर कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात है, तो यहाँ पर भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 3 जाके लिखेंगे, 2 की घात में से हम 1 की घात को घटाएंगे, तो एक्स पर कितने की घात बचेगी, 1 की घात बचेगी, और 1 की घात को लगाया नहीं जाता है, मानी जाती है। तो यहाँ पर 1 की घात लगा दो चाहे ना लगाओ, मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब हम 3x वर्ग में एक्स से भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा। तो यहाँ पर हम 3x को ऊपर भी लिख सकते हैं या साइड में, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 3x का गुणा इस एक्स और प्लस 1 से करेंगे, तो 3x का गुणा एक्स से भी करेंगे और एक्स प्लस 1 से भी करेंगे, 3x गुणित x प्लस 1। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसके पहले पद को ऊपर लिखना है और इसके पहले पद को नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कि 3 को जहाँ की तहाँ लिखा, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है, तो 2 की घात में से 1 की घात को घटाया, तो यहाँ पर कितने की घात बची, 1 की घात, और 1 की घात को लगाया नहीं जाता है, तो यहाँ पर हमने 3x लिखा। फिर इसके बाद आपको जो भी यहाँ पर आंसर आया है उसको यहाँ पर इस संख्या से गुणा करना है, 3x का गुणा एक्स प्लस 1 से करना है। तो यहाँ पर हम 3x का गुणा एक्स प्लस 1 से करेंगे, तो सबसे पहले 3x का गुणा एक्स से करेंगे, तो यहाँ पर जब हम 3x का गुणा एक्स से करेंगे, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 1 की घात और 1 की घात कितने की हो जाएगी, 2 की घात, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x का गुणा x से होगा, तो यहाँ पर 3x वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x वर्ग। जब हमने
3x का गुणा x से किया तो हमने यहाँ पर इसका गुणा करने पर कितना आया 3x वर्ग, और 3x का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या का गुणा होता है वही संख्या आ जाती है, 3x का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3x आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समान घातों के नीचे समान पद को लिखना है, जैसे यहाँ पर वर्ग वाला पद है तो वर्ग वाले पद के नीचे हमने वर्ग वाले पद को लिखा, और यहाँ पर x वाले पद के नीचे हमने x वाले पद को लिखा। इसके बाद जब भी हम क्या करते हैं घटाते हैं तो यहाँ पर चिन्हों को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम घटाएंगे तो 3x वर्ग प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर का प्लस का है नीचे का माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का x और माइनस के 3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1x और माइनस के 3x, तो 3x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे माइनस के 2x बचेंगे, और यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को माइनस 1 को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 में तो हमने भाग दिया नहीं था, तो यहाँ पर माइनस 1 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका पद उसी प्रकार से यहाँ पर सेम इसी प्रकार से सेम स्टेप यहाँ पर भी करना कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसके पहले पद को हम ऊपर लिखेंगे चिन्ह सहित, जैसे इसका पहला पद क्या है माइनस 2x है तो माइनस 2x को यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर x को हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर x x समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस के 2 को यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम माइनस 2 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे, तो माइनस 2 का गुणा हम किस संख्या से करेंगे x प्लस 1 से करेंगे, तो माइनस 2 का गुणा जब x से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे माइनस 2x आ जाएंगे, और यहाँ पर माइनस 2 का गुणा प्लस 1 से होगा तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, तो 2 एकम 2 माइनस के 2 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे चिन्हों को यहाँ पर चेंज कर देंगे बदल देंगे, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम घटाएंगे तो माइनस प्लस की संख्या क्या हो जाती है जब भी समान होती है संख्या तो यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस के 2 हैं और माइनस का 1 है तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 में से 1 को घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो शेषफल क्या होगा 1 होगा। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप शेषफल प्रमेय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताया गया है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अतः हम लिख सकते हैं अतः शेषफल क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 शेषफल बचा है तो यहाँ पर 1 शेषफल 1 होगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 7 को सॉल्व करेंगे, तो उदाहरण 7 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो उदाहरण 7 है कि 3x पर 4 की घात माइनस 4x घन माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पर शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो सरल विधि होती है वो शेषफल प्रमेय विधि होती है, तो हम इस क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है कि जो भी बहुपद होता है सबसे पहले उस बहुपद को यहाँ पर हम पी एक्स के बराबर मानेंगे, माना जो भी बहुपद दिया गया है यहाँ पर बहुपद दिया गया है 3x पर 4 की घात माइनस 4x घन माइनस 3x और माइनस 1, और यहाँ पर हमें इस संख्या से भाग देना है तो यहाँ पर भाजक क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ पर हम भाजक लिखेंगे भाजक बराबर x माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात करना है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए शेषफल प्रमेय विधि से। तो शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है कि भाजक के बराबर यहाँ पर हमें जीरो रखना होता है, जो भी भाजक का मान होता है उसके बराबर हम जीरो लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 1 के बराबर हम क्या लेंगे जीरो, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो जो माइनस का 1 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस x के मान को यहाँ पर हम इस पी एक्स में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1
बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर, तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर एक रखेंगे इस px में, तो p को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, x की जगह x का मान यहाँ पर एक रखेंगे, बराबर चिन्ह भी जहाँ के तहाँ यहाँ पर तीन भी जहाँ के तहाँ लिखेंगे, x की जगह x का मान यहाँ पर हम एक रखेंगे और यहाँ पर चार की घात को यहाँ पर जहाँ के तहाँ लगाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, चार भी हमने जहाँ के तहाँ लिखे, x की जगह x का मान यहाँ पर एक रखना है और यहाँ पर घन लगा है, घन को हम जहाँ के तहाँ लगाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, तीन भी जहाँ के तहाँ, x की जगह x का मान यहाँ पर क्या रखना है, एक रखना है, तो यहाँ पर हमने एक लिखा और माइनस एक जहाँ के तहाँ। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर p एक जहाँ के तहाँ लिखा, तीन जहाँ के तहाँ, यहाँ पर एक पर कितने की घात है, चार की घात है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पर कितने की भी घात आ जाए उसका मान हमेशा कितना होता है, एक ही होता है, चाहे जीरो की आ जाए, चाहे 10 की आ जाए, चाहे 20 की आ जाए, चाहे 3 की आ जाए, कितने की भी घात आ जाए उसका मान कितना होता है, हमेशा एक होता है। माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर चार भी जहाँ के तहाँ, एक का घन कितना हो जाएगा, एक ही होगा, क्योंकि एक पर कितने की भी घात आ जाए उसका मान हमेशा एक होता है, तो एक का घन हो जाएगा एक, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, तीन का गुणा एक से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तीन एकम तीन और माइनस एक जहाँ के तहाँ। इसके बाद आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो पी एक जहाँ के तहाँ, तीन का गुणा एक से होगा तो यहाँ पर तीन आ जाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, चार का गुणा एक से होगा तो यहाँ पर चार आ जाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर माइनस तीन भी जहाँ के तहाँ, यहाँ पर माइनस एक भी जहाँ के तहाँ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस के तीन है माइनस के तीन, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी एक जहाँ के तहाँ, यहाँ पर माइनस के चार, यहाँ पर माइनस का एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगे, माइनस का चार और माइनस का एक कितना हो जाएंगे, माइनस के पाँच हो जाएंगे। यदि यहाँ पर एक संख्या प्लस की होती तो हम घटा देते, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की हैं, तो यहाँ पर माइनस के चार और माइनस के एक कितने हो जाएंगे, माइनस के पाँच हो जाएंगे, तो आता जो हमारा शेषफल होगा वो कितना होगा, माइनस पाँच होगा, तो आता हम लिख सकते हैं, आता है शेषफल माइनस पाँच होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण आठ को सॉल्व करेंगे, तो उदाहरण आठ भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण आठ को आपको अच्छे से समझना है। तो उदाहरण आठ है कि पी एक्स बराबर एक्स घन प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे सरल विधि जो होती है वो शेषफल प्रमेय विधि होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी बहुपद दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया गया पी एक्स के बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया गया है पी एक्स के बराबर, तो यहाँ पर हम पी एक्स बराबर जो भी बहुपद दिया गया उस बहुपद को लिखेंगे एक्स घन प्लस वन। इसके बाद जो यहाँ पर जिससे हमें भाग देना होता है वो यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, तो यहाँ पर भाजक का मान कितना होगा, एक्स प्लस वन दिया गया है क्वेश्चन में, एक्स प्लस वन। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात करना है, तो हम इसमें शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि से, तो शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है, जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं, तो शेषफल प्रमेय विधि में हमें भाजक के बराबर जीरो को लेना होता है, तो यहाँ पर भाजक का मान क्या है, एक्स प्लस वन है, तो हम इस भाजक के बराबर क्या लेंगे, जीरो लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो जो प्लस का एक है इस तरफ आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक आ गया है। अब इस एक्स के मान को इस बहुपद पी एक्स में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर, तो हम एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक रखेंगे इस बहुपद पी एक्स में, तो पी जहाँ के तहाँ लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक रखेंगे, बराबर चिन्ह जहाँ के तहाँ, एक्स की जगह एक्स का मान यहाँ पर माइनस एक रखेंगे और यहाँ पर
घन लगा है, घन को यहाँ पर हम जांकिता लगाएंगे, यहाँ पर प्लस एक जांकिता। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो p माइनस एक जांकिता बराबर चिन्ह भी जांकिता। यहाँ पर हमें माइनस एक का घन निकालना है, तो आइए इसको हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि माइनस एक का घन कितना होगा। तो जब भी हमें किसी भी संख्या का वर्ग या घन निकालना होता है तो जिस भी संख्या के ऊपर, जैसे यहाँ पर तीन की घात लगी है, तो यहाँ पर माइनस एक पर कितने की घात लगी है, तीन की, तो हम उस संख्या को उतनी ही बार लिखते हैं जितने की घात लगी होती है। जैसे यहाँ पर माइनस एक पर तीन की घात लगी है तो माइनस एक को हम तीन बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, दो बार में तो प्लस होता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह को हमने जांकिता लिखा, फिर प्लस माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद हम अंकों का गुणा करेंगे, तो एक का गुणा एक में होगा, एक एकम एक, एक एकम एक, तो एक का कितनी ही बार गुणा करें, चाहे हम 10 बार करें, चाहे 20 बार करें, या दो बार करें, या तीन बार, उसका मान हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर माइनस एक का घन क्या आ जाएगा, माइनस एक होगा, माइनस एक, और यहाँ पर प्लस एक जांकिता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का एक प्लस का एक समान संख्या है, जब भी इस प्रकार की हो कि एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, समान संख्या कैसी हो, समान हो, तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर p माइनस एक का मान क्या होगा, जीरो होगा, यही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि शेषफल क्या होगा, जीरो होगा। अतः जो शेषफल का मान होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अतः शेषफल जीरो होगा। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों उदाहरणों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।